तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। 2023 मैं बार बार कह रहा हूँ कि बॉलीवुड वालों का होने वाला है। बॉलीवुड जो इतने टाइम से खामोश था, बहुत रेपुटेशन गिरी। पिछले 3-4 महीने पहले तक बार बार रीमेक पर रीमेक लाए जा रहे थे। बॉलीवुड की इतनी फिल्में पिटी 2022 में, लोगों का इंटरेस्ट साउथ इंडस्ट्री की तरफ भागने लगा और बॉलीवुड ने बहुत नुकसान झेला। जी हाँ, लेकिन 2023 आते ही पठान ने मारी एंट्री, फिर अजय देवगन की भोला ने एंट्री मारी और गदर 2 के क्या हालचाल चल रहे हैं वो हम सब जानते हैं, रोज देख रहे हैं। जवान का आना भी बाकी है और आज डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के द्वारा एक और बॉम्ब को फोड़ा जाता है। टाइटल अनाउंसमेंट एंड कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का टीजर निकला है फाइटर मूवी का, जिसको सजाया गया है ऋतिक रोशन के मेन लीड में रखकर और दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर जैसी दिग्गज स्टार के साथ। दोस्तों, ऋतिक रोशन शांत है काफी टाइम से, ये बंदा आफ्टर वॉर इस मूवी में फाड़ने वाला है। वैसे भी ऋतिक अक्षय बाजी की तरह बार बार आते नहीं है, लगातार फिल्में लाते नहीं है, लेकिन जो भी और जब भी ये फिल्में बनाते हैं ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेकर ही जाते हैं। जी दोस्तों, फाइटर का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर कैरेक्टर प्रोडक्शन का टीजर आप लोगों ने देख ही लिया होगा अभी तक, और अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखो भाई, मजा आ जाएगा। गट फील हो रहा है मूवी बहुत दमदार होने वाली है। मैं जिस हिसाब से विजन रख रहा हूँ ऋतिक, दीपिका और अनिल कपूर को लेकर, अगर मूवी वैसी निकल गई तो भाई क्या जवान क्या सलार, सब पानी मांग जाएंगी। दूसरी बात, ये जो डायरेक्टर है ना, एक्शन मूवी का किंग है ये बंदा। हाल फिलहाल में अपनी ताजी ताजी फिल्म दे रखी है पठान, और अब आप इमेजिन कर लो ऋतिक के साथ ये बंदा कैसे कोलैब करेगा, कैसी आग लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही डायरेक्टर है जिसने कम फिल्में तो दी हैं लेकिन सब ब्लॉकबस्टर हिट दी हैं, लाइक पठान, वॉर एंड बैंग बैंग। और मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि ये तीनों फिल्में कैसी हैं और इनका क्या हाइप रहा है। या दोस्तों, वैसे तो मूवी 25 जनवरी को आनी है, मतलब पूरे 5 महीने दूर हैं हम इस फिल्म से। इसी बीच हमको इसका टीजर भी देखने को मिलने वाला है, फिर सॉन्ग्स भी आएंगे और ट्रेलर तो आग लगा ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपनी इस मूवी को लेकर। किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये तक रिवील करा था कि जब फाइटर का टीजर आएगा लोग देखते रह जाएंगे, और फाइनल शोडाउन हमारी तरफ से होगा इसका ट्रेलर, और अभी तक जितनी भी बड़ी क्रिएशंस आई हैं सब पानी मांग जाएंगी। जहां दोस्तों, मूवी में म्यूजिक देंगे विशाल एंड शेखर, टोटल 5 गाने आपको मिलने वाले हैं मूवी में, जिसमें से 2 गाने रिलीज होंगे मूवी के रिलीज से ही पहले। दोस्तों, अगर आपने टॉम क्रूज की टॉप गन और टॉप गन मैवरिक मूवी दोनों ही देखी हैं तो ये आप अंदाज़ा लगा लो सेम हाइप रहने वाली है मूवी का भी इसमें, क्योंकि ये अनाउंस करा गया है मेकर्स के द्वारा कि मूवी का ऑलमोस्ट 90% पार्ट हवा में ही रहेगा, मतलब फुल एरियल एयरक्राफ्टिंग मूवी होने वाली है। ज़बरदस्त एयर स्किल्स देखने को मिलने वाली है मूवी में। जी दोस्तों, मूवी को 250 करोड़ के बजट में कंप्लीट करा गया है, और सिर्फ यही नहीं, ये भी अनाउंस करा गया है कि इसके सिक्वल निकाले जाएंगे, मतलब आफ्टर दिस मूवी हमें इसके 1-2 पार्ट और देखने को मिलेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाओ, एंटरटेनमेंट की दुनिया में अब ऋतिक बावा एंट्री मारने वाले हैं। बाकी मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। पहला तो ये, क्या ऋतिक रोशन की ये फिल्म हिट हो पाएगी या नहीं? दूसरा, क्या आपने टॉप गन और टॉप गन मैवरिक दोनों ही फिल्में देखी हैं? अगर हाँ तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।